सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल गुड। फाइन। सो गाइस, आज के ब्लॉग में जो है हम लोग जाने वाले हैं इलाहाबाद घूमने, जिसका 2018 में प्रयागराज नाम हो गया था। ये छोटा सा डिटेल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आगे ब्लॉग में मैं प्रयागराज ही यूज़ करने वाला हूँ वर्ड, और शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि इलाहाबाद और प्रयागराज एक ही है, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी अभी मैं ये रात को शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जो है पैकिंग वैकिंग थोड़ा किया है और थोड़ा सामान बिखरा हुआ भी है। ये जो मेरे को कल पहन के जाना है, ये मेरा बैग जो मैं लेके जाऊंगा, ये मेरा टॉवल जो कि कल ब्रश करने के बाद मैं पैक करूंगा, वो इनर जो मैं पहनूंगा, तो ये सब बाद में। बाकी अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग का सुबह ट्रेन है 3:30, या फिर अगर वो लेट करता है, क्योंकि वो हावड़ा से ट्रेन आता है, तो अगर वो लेट करता है 5:30 मैक्सिमम। बाकी साथ में अपने भाई को ले जा रहा हूँ मैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फिर वीडियो में करते हैं और कल सुबह मिलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और फाइनली जो है सुबह हो चुका है। इसी तरह देख सकते हैं कि 3 बजने वाला है, 3:30 बजे हम लोग का ट्रेन है और मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। पहले अंदर मैंने पहना इनर, इनर के ऊपर हुड्डी, हुड्डी के ऊपर डेनिम जैकेट, नीचे वही इनर, इनर के ऊपर कार्गो पैंट, सॉक्स पहना, भी नीचे बूट पहनूंगा। बाकी भी चलते हैं, स्टेशन पहुँचते हैं और स्टेशन पर मिलते हैं। फाइनली जो हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं और साथ में मेरा मेरे भाई है और पिताजी आए हम लोग को यहाँ ड्रॉप करने के लिए। बाकी अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग का ट्रेन आ रहा है, तो जाते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। फाइनली जो हम लोग का ट्रेन आ चुका है और ये जो है हम लोग का बॉगी है B2, और अंदर बॉगी में बहुत अंधेरा था तो मैंने सोचा कि बाहर ही आके ब्लॉग कर लेता हूँ। तो अब इतना रात को तो ब्लॉग करने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं आप लोग को, तो डायरेक्ट मिलते सुबह आप लोग को। अभी टाइम भी जो है वो 3:30 बज रहा है, तो फिर इतना रात को ब्लॉग करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। मस्त सोऊंगा, सुबह उठूंगा 8 बजे तक, तो उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ और फिर अपने विंडो से बाहर का सीन दिखाता हूँ। ठीक है, बाय बाय। फाइनली जो सुबह हो चुका है और मैं उठ चुका हूँ। एज यू कैन सी कि थोड़ा ज़्यादा ही सुबह हो गया है, अप्रॉक्स 9 बज रहे, 9:30, तो अभी मैं सो के उठा हूँ। अभी मैं ब्रश करने आया था यहाँ पे, तो ब्रश व्रश हो गया, अब चलते हैं अपने बेड पे, और ये रहा मेरा भाई, तो अब चलते हैं बेड पे, वहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बाकी ब्रेकफास्ट मंगाते हैं रेलवे फूड से ही, ब्रेड ऑमलेट खा लेंगे। ट्रेन का ब्रेड ऑमलेट मेरे को बहुत सही लगता है, तो देखते हैं अगर भैया आते हैं तो फिर हम लोग ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, उसके बाद फिर प्रयागराज पहुँचते हैं। A few moments later. So guys, finally हम लोग दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी जो है मैं नाश्ता लेने के लिए नीचे उतरा था, ये रही अपनी ट्रेन, और इस तरफ मैं चला क्योंकि उधर पूरा चिल्लाया जा रहा फल वाले जो हैं उच्चा वो लोग और जो भी पैसेंजर्स हैं वो सब वहाँ पर हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग अंदर, थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं क्योंकि हम लोग घर से नाश्ता पानी लेके निकले नहीं थे। तो अभी चलते हैं अपने बॉगी में जो कि है B2, और फिर चलते हैं नाश्ता पानी करते हैं। सो गाइस, फाइनली जो है नाश्ते हम लोग ला चुके हैं, पपीता, एप्पी फिज, थोड़ा सब्जी, साथ में आलू के पराठे और एक ब्रेड ऑमलेट। तो ब्रेड ऑमलेट मैं खाने वाला हूँ, आलू के पराठे और सब्जी मेरा भाई खाने वाला है, पपीता में दोनों खाने वाले हैं। और दीनदयाल उपाध्याय से हम लोग का ट्रेन खुल चुका है, अब चलते हैं सीधा आप लोगों को प्रयागराज में मिलते हैं।
गाइस, ये रही अपनी ट्रेन। फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं अपना रिटायरिंग रूम देखने, क्योंकि हमने जो रिटायरिंग रूम बुक कर लिया था एक दिन के लिए, मतलब आज सुबह 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में, क्योंकि हम लोग ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में हम लोग उतारा है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में चलते हैं, फिर रिटायरिंग रूम ढूंढते हैं और फ्रेश होकर निकलते हैं थोड़ा दोपहर खाना खाने के लिए, क्योंकि 9 घंटे का पूरा जर्नी था और हम लोग को जो है 12:30 बजे यहाँ पहुँचा है। जैसे कि लोग देख सकते हैं स्टेशन, और ये अपना ट्रेन नीचे लगा हुआ है अभी। तो अब चलते हैं, हम लोग रिटायरिंग रूम में मिलते हैं आपको। सो गाइस, फाइनली जो है मैं अपने रिटायरिंग रूम में पहुँच चुका हूँ और एक छोटा सा टूर देता हूँ अपने मैं रिटायरिंग रूम का। तो सबसे पहले आता है हम लोग का ये मेन गेट, जिससे हम लोग अंदर आए हैं। मेन गेट से अंदर घुसते ही राइट साइड में हम लोग को मिलता है ये टेबल, जिसमें हम लोग अभी का नाश्ता रखा हुआ है जो कि समोसे, फिर ये डबल बेड, फिर वो साइड टेबल, फिर वो 3 सोफे, उसके बाद एक ये यहाँ पर अलमारी दिया हुआ है। जब यहाँ से आगे आते हैं तो ये कपड़ा टांगने के लिए हैंगर दिया हुआ है यहाँ पे, फिर ये एक मिरर दिया हुआ था यार, और ये है मेरा आज का लुक, मतलब सुबह 3:30 बजे से मेरा यही लुक है। और ये सामने बेसिन, यहाँ पर एक और मिरर, फिर ये रहा बाथरूम, बाथरूम में गीजर, फिर वॉशरूम है यहाँ पर। तो मतलब भोपाल वाले रिटायरिंग रूम से बहुत ज़्यादा ही बढ़िया रिटायरिंग रूम है ये, और उससे ज़्यादा साफ भी है। तो बस अब हम लोग चेंज करते हैं, चेंज करके नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं कहीं घूमने। A few moments later. So guys, finally जो है हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और हम लोग रेस्ट भी कर चुके हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ नाश्ता भी किया है, जैसे ब्रिटानिया केक, चॉकलेट फ्लेवर, समोसा, माजा, फिज, और घर से कुछ नमकीन लाए थे वो। लेकिन अभी जो है 3:30 बज चुका है, दोपहर का खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं और मेरे भाई जा रहे नीचे दोपहर का खाना खाने, इसलिए हम लोग फिर से अपना जैकेट वगैरह सब डालना पड़ेगा। वैसे तो धूप है तो ज़्यादा ठंडा लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी। उसके बाद खाना खा के लोग जाएंगे थोड़ा घूमने फिरने, तो वो तो अगले व्लॉग में आएगा। इस व्लॉग को बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने फोटोज डालता रहता हूँ जहाँ पर मैं घूमने जाता हूँ, और अपने लाइव अपडेट भी डालते रहता हूँ कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। But if you don't